हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जोसेफ हियर। और अभी मैंने जस्ट उठा अभी, और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा बहन ने खाना पीना बना के रखा है यहीं पे, और यहाँ पे आलू बनाया है दोस्तों, ये देखिए। और पिछली वीडियो में बहुत लोग ने मुझे कमेंट कर रहा है कि हाथी कहाँ है, हाथी कहाँ है। तो दोस्तों हाथी था, लेकिन अभी ता हो गया है। हाथी वहीं पे था, लेकिन चला गया है अभी। बात तो सही है, दौड़ा तो। अभी मैं दिखाता हूँ मेरा मम्मी क्या कर रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, मम्मी यहाँ पे चावल साफ कर रही है, ताकि कोई पत्थर वत्थर कुछ होने से सारा साफ हो जाएगा यहाँ पे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं मम्मी, गलों में ये वाला ओपो बोलता है उसको। ये ओपो है गाइस, जो बम्बू से बनाया जाता है। मेरा पिताजी बना के वो बाहर से लेके ला दिया था। ऐसे ओपो होने से हम चावल ये सफा करने के लिए आता है, लेकिन वो जो बाजार में मिलता है वो लोग हम अच्छे से नहीं आता है। ये मेरे लिए ठीक है, इसलिए। और एक तो मेरा पापा को बनाने देगा। आप करके दिखाइए मम्मी कैसा करता है ये। ऐसे करते हैं हम लोग, पत्थर बहुत है, अच्छे से साफ सुथरों करके खाना है। आजकल चावल से ज्यादा गंदा निकलता है, इसलिए अच्छा से देखना है, अच्छा से देख के खाना है, पीना है। खाना पीना से आजकल बहुत बीमार निकलता है, इसलिए अच्छा से देखना है, देख के खाना है, साफ कर। और देखिए दोस्तों, मेरा बहन ने सलाद भी बना लिया है। अभी खाना भी रेडी हो गया है, फिर सलाद भी बना लिया। अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे और फिर मिलेंगे आपको दोस्तों। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था यहाँ पे हम लोग, मम्मी ने सब्जी लगाया है, तो सब्जी थोड़ा थोड़ा उगने लग गया। लोग देखिए एक बार, तो ये देखिए दोस्तों, छोटा छोटा सब्जी उगने लग गया है यहाँ पे। ये बहुत जल्दी उग गया, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, कुछ 4-5 दिन ही हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था, तो यहाँ पे सब्जी उगने लग गया है दोस्तों। और यहाँ पे पता नहीं क्या है, धनिया है शायद यहाँ पे, और ये तो लाई पत्ता है दोस्तों। सो या बड़ा होने से मजा आएगा, हम लोग खाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आप, हम लोग ये खाएंगे। इसमें आलू फ्राई है, सलाद है, नींबू है, चावल है दोस्तों। आज का मेन्यू यही है, और आप देखिए बैकग्राउंड फूड विद नेचर है। सो या हम लोग खा लेते हैं, फिर आपको मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हम लोग जंगल साफ कर रहा है। ये मम्मी का फूल बागान है, यहाँ पे भी फूल बागान है, तो अभी हम लोग ये साफ कर रहे हैं, और मामा भी पूरा हाथ बटा रहा है। और देखिए कितना सारा फूल है यहाँ, कुछ ऐसा देखता है हम लोग का घर का नीचे का सराउंडिंग। और घर जो है दोस्तों ऊपर में है, अभी ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों, अराउंड 2-3 महीना में शायद हो जाना चाहिए, अगर पैसा वैसा का अच्छा जुगाड़ हो जाए तो। तो यहाँ पे देखिए आप, ये सारा नीचे है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट सारा साफ कर लिया हमने, और ये सारा क्लीन हो गया। एक बार कैमरा मैन आप दिखा दो सब साइड को। तो दोस्तों हमने ये सारा साफ कर लिया, अभी हम लोग साफ करेंगे दूसरा साइड में, वहां पे भी फूल का बगान है। चलिए दोस्तों, हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी। ये है देखिए, हमें ऊपर चढ़ना होगा यहाँ से। तो ये मेरा घर का आंगन है, और बहुत सारा फूल वगैरह है यहाँ पे। तो हम लोग ये पोर्शन तो पूरा साफ कर लिया, अभी और एक जगह है इसको साफ करेंगे। गर्मी तो है दोस्तों बहुत, फिर भी साफ तो करना है। घर का आंगन साफ रहने से दोस्तों ऐसे ही मन भी अच्छा लगता है, और अभी साफ करेंगे। ये आप देख सकते हो, जैसे कि ये पोर्शन जो है, ये नीचे पोर्शन को साफ करेंगे, ये सबको थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे दोस्तों। तो या वीडियो पे बने रहे आप, हम लोग साफ करते हैं। चलिए नीचे चलते हैं और साफ करते हैं। यह देखिए कितना प्यारा रोज फूल है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी है, सही है दोस्तों। चलिए फिर, और मजा आ रहा है काम करके। कभी ऐसे जंगल वंगल भी साफ करना है, तब आपका फिजिकली भी आप फिट रहते हो, काम करना है कभी कभार। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग ये साफ कर रहे हैं, देखिए
ये बहुत ही नीचे है घर का, पूरा नीचे तरफ में है ये। यहाँ से देखिए आप, हमारा मामा जी साफ कर रहे हैं और आपका घर रह गया दोस्तों ऊपर तरफ, इस तरफ घर रह गया। और दोस्तों यहाँ पे मम्मी भी साफ कर रही है। ये नींबू का, नींबू गच्ची है ये, सो बीच बीच में यहाँ पे नींबू भी देता है, आप देख सकते हो ये। और यहाँ पे है अनारस। और मम्मी को देखते हैं, मम्मी क्या कर रही है। मम्मी यो मधु, मम्मी देखिए साफ कर रही है। हमें ये सारा पोर्शन साफ करना है ताकि कोई साफ वगैरह ना आए। हाँ, बारिका में तू कहाँ सकेगा, अभी साफ करेगा, अभी उठेगा गाची लोग। इस समय में साफ करना है, लेकिन मेरा कंपाउंड इतना खास नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी है। कंपाउंड जो अच्छा नहीं है, लेकिन जितना साफ करके रखेगा इतना अच्छा है, अच्छा है, सुंदर है। तो दोस्तों हम लोग गांव में ऐसे ही काम करते हैं, ये सारा इलाका साफ करना है। इसको साफ रहने से देख के भी अच्छा भी लगता है जगह जमीन, और सारा जंगल होने से साफ वाफ आने का भी डर रहता है, तो अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, ये पत्ता बहुत काम में आता है। हम लोग का लाइक एक ट्रेडिशन है, आलिया लिगांग मनाता है हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि आलिया लिगांग में दोस्तों ये पत्ते पे हम लोग खाना रैप करके बॉयल करते हैं हम लोग, सो पुरांग बनाते हैं हम लोग। और ये पत्ता का खुशबू बहुत अच्छा होता है दोस्तों, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बताइए आप लोग इसे खाते हो कि नहीं। और ये सिटी लोग में बहुत डिमांड होता है, जैसे गुवाहाटी हो गया, ये सब में बहुत डिमांड होता है। पर पीस 5 रुपया करके बेचता है वहाँ पे। तो इसका खुशबू भी बहुत प्यारा है, और यहाँ से हम लोग खाना भी बनाते हैं। और जैसे कुछ पार्टी वार्टी हो गया तो इसी में हम लोग खाना वाना या फिर चटनी वो सब देते हैं ये पत्ता में। तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों, और खुशबू बहुत प्यारा है दोस्तों। और आप लोग बताओ, अगर आप लोग को ये पत्ता का बारे पता है तो कमेंट में बताइए आप लोग क्या में यूज करते हो ये पत्ता को। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा पीछे एक गच्ची है, मम्मी बोल रहा है कि ये बहुत सब्जी वगैरह में काम आता है। तो एक बार मम्मी को पूछ के देखते हैं इसका पीछे का कहानी, मतलब क्या क्या यूज आता है ये। मम्मी थोड़ा बताओ ये क्या में यूज आता है ये। ये सब्जी है। अच्छा, उसके बाद वो सूर मीट में बहुत अच्छा है खाने के लिए। तो इसलिए हम घर के सामने में उसको लगा के रखा है। बहुत अच्छा है खाने, टेस्टी है। क्या नाम क्या है इसका? उसको हम लोग बोलता है ताजिक तकुक। ताजिक तकुक, छोटा वाला ताजिक तकुक। पूरा पार्टी में यही यूज होता है क्या? ताजिक तकुक पार्टी में ये यूज करता है क्या? पार्टी में बहुत यूज क्यूल है। अच्छा। हम लोग मिसिंग आदमी लोग ये होने से, कुछ पार्टी उर्ती होने से, कुछ दंगांग होने से ये बहुत यूजफुल में है। और गालो लोग खाता है कि नहीं? गालो लोग तो इतना खास नहीं खाता है। अच्छा, अभी वो बाहर का गालो लोग जान गया अभी। हाँ। ये वाला यूजफुल है बोल के, इसलिए शनिवार वो बाजार में भी गालो लोग बेचता है। बेचता है। अच्छा। और हम लोग का अंदर का गालोंग लोग इतना नहीं जानते। नहीं जानते है। हाँ, वो अभी हो बाहर का गालोंग लोग अभी जान गया। हम लोग मिसिंग के लिए इतना यूजफुल है बोल के वो लोग अभी जान गया। अच्छा, इसलिए बाजार में भी वो लोग लेके आता है। अच्छा, तो अंदर का बस्ती वाला लोग इतना नहीं आता है, नहीं जानते। तो दोस्तों आप लोग बताओ, आप लोग खाते हो कि नहीं ये पत्ता को? और ये एक दो दिन का अंदर गाइस थोड़ा सा पोर्क लेंगे, गावरी मीट लेके बना के खा के देखते हैं, और आपको भी दिखाऊंगा इसका टेस्ट कैसे होता है, तो मजा आएगा। खुशबू तो बहुत अच्छा है, खा के देखते हैं दोस्तों, और आपको भी दिखाऊंगा मैं बहुत जल्द। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, हमने सारा क्लीन कर दिया, और पीछे का भी शायद आपको नजारा दिख ही रहा होगा, सारा साफ हो गया। एक बार दिखाता हूँ आपको मैं, तो ये सारा साफ हो गया। तो इसको अभी सूखने देंगे एक दो दिन, और सूखने के बाद फिर से थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे, जैसे कि ये अंदर का पोर्शन हो गया, थोड़ा थोड़ा करके साफ करेंगे। अभी मम्मी कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और दोस्तों इतना गधा मजदूरी करके भी फायदा नहीं है, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि एक साथ में तो खत्म करके फायदा नहीं है। जैसे कि आज थोड़ा कर लिया, फिर कल करेंगे। सो गाइस, वीडियो यही तक था। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, गाइस कुछ भी कीजिए, बस सपोर्ट कीजिए, और ताकि मैं और आगे बढ़ूं, मेरा चैनल भी आगे ग्रो हो।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।